किसान आंदोलन के प्रखर नेता एवं क्रेपको के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव आज हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं सहकारिता की एवं किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की। अध्यक्ष जी, COVID-19 के दौर में क्रेपको जो है वो किसानों के लिए, देश के लिए किस तरीके से खड़ा रहा? देखिए, जब पिछले फरवरी 19 में कोरोना को महामारी डिक्लेयर किया गया और देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ज़बरदस्त तरीके से लोग इससे पीड़ित हुए, हम लोगों ने एक सहकारी संस्था होने के नाते और किसानों से जुड़ी हुई संस्था होने के नाते लोगों तक जो उस महामारी को रोकने के उपाय थे, जिसमें मास्क है, सैनिटाइजर है, या जो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए दवाएं थीं, उनको हमने लोगों तक उपलब्ध कराने का कार्य किया। यहाँ तक कि जो तमाम मजदूर दूसरे जगहों से अपने पैतृक स्थान पर जाने के लिए जब रास्तों में चल रहे थे या गाड़ियों से चल रहे थे, तो उनको खाने का प्रबंध या उनके रुकने का प्रबंध कराने में भी हमारी संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और जब प्रधानमंत्री जी ने लोगों से सहयोग की मांग की, तो पीएम केयर फंड में भी हमारी संस्था ने 2 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का काम किया। ये क्रेपको ने लोगों के सहयोग के लिए, लोगों की मदद के लिए, महामारी से बचाव के लिए जहाँ सहयोग किया, वहीं और तमाम सहकारी संस्थाएं हैं। चूँकि हम भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के भी अध्यक्ष होने के नाते, हमने विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से लोगों तक जो सहकारी संस्थाओं के सदस्य हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव से लेकर के अपेक्स तक जो मेंबर्स हैं, उन तक ये लाभ पहुँचे और उनको महामारी से बचने के लिए जो मदद हो सकती है वो मदद करने में हम सब लोगों ने मिलकर के सहयोग किया है। और मैं समझता हूँ कि आज महामारी से लड़कर के जो जीत हासिल हुई है, उसमें सहकारी आंदोलन का बहुत बड़ा सहयोग है। अध्यक्ष जी, सहकारिता की बात करें तो सहकारिता का देश को, किसानों को किस प्रकार से लाभ मिल पाता है? देखिए, देश में किसानों की खुशहाली और किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए सबसे मजबूत साधन हमारा सहकारी आंदोलन ही है। क्योंकि किसान को किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, चाहे कृषि आदान की आवश्यकता है जिसमें किसान खाद खरीदता है, बीज लेता है, पेस्टिसाइड लेता है, या सस्ते ब्याज के दरों पर किसान को ऋण की आवश्यकता होती है, तो हमारी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ही ये तमाम संसाधन किसानों तक उपलब्ध कराने का काम किया जाता है। दूसरी तरफ, जब किसान की फसल तैयार होती है और वो जो है बाज़ार में लेकर के जाता है, उन परिस्थितियों में भी भारत सरकार के द्वारा जो MSP डिक्लेयर किया जाता है, उस पर खरीदने का काम तमाम प्राइमरी कोऑपरेटिव जो देश भर में लाखों की तादाद में हमारी समितियां हैं, वो उन समितियों के माध्यम से खरीद होती है और किसानों को जो उनकी उपज है उसका लाभकारी मूल्य दिलाने में हमारी सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो जो हमारे किसान के खेत की पैदावार बढ़ाने में और किसान को बाज़ार में सही मूल्य मिले उत्पादन का, इसमें सहकारी आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और सहकारी आंदोलन किसानों के सपोर्ट के लिए हमेशा इस तरीके से सहयोग करता रहता है। मैं समझता हूँ कि किसान को मजबूत करने और उनकी खुशहाल बनाने या आर्थिक रूप से मजबूत करने में हमारे मूवमेंट का बहुत बड़ा सहयोग है। और देश के किसान उत्तरोत्तर प्रगति करें, इसके लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खेती पर आधारित है और खेती पे काम करने वाले लोग अगर लाभकारी खेती करेंगे तो निश्चित रूप से
जहाँ किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहीं इस देश की अर्थव्यवस्था भी जबरदस्त तरीके से मजबूत होगी। सरकार को या हमारे सहकारी आंदोलन के लोगों को, सहकारी संस्थाओं को किसानों का सहयोग करना चाहिए, जिससे कि उनके खेत का उत्पादन बढ़े। उस उत्पादन को बढ़ाने में लोगों को जिस तरीके की किसानों को आवश्यकता है वो मदद मिलनी चाहिए। उस तरीके की खेती होना चाहिए कि जिससे कि किसान को कैश क्रॉप मिले। अभी केवल किसान अनाज पैदा करता है, लेकिन अनाज के साथ साथ किसान को जो सब्जियां हैं, आपके फ्रूट्स हैं, या जिन चीज़ों की शॉर्टेज है हमारे यहाँ, उन पर आधारित जो है खेती अगर किसान करेंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभकारी मूल्य, अच्छा मूल्य मिल सकेगा और किसान खुशहाल हो सकेंगे। और इसके लिए भी हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट में लोगों का सपोर्ट करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए विभिन्न संस्थाएं हैं। आने वाले समय में अगर लाभकारी खेती करेगा तो निश्चित रूप से वो लाभान्वित होगा। धन्यवाद। तो ये थे क्रेपको के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव। इनका कहना है कि किसानों को पारंपरिक खेती के साथ ही फलों की, सब्जियों की खेती के क्षेत्र में भी आना चाहिए, ताकि वो दिनों दिन प्रगति पथ पर आगे बढ़े।